हेलो गाइस, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? होप कि आप अच्छे ही होंगे। तो गाइस, मैंने काम वगैरह कर लिया है और मैं हो गई हूँ फ्री। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है और निमृत को लेके कल मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं। और जैसे जैसे निमृत को परहेज बताया था ना, सेम वैसे ही परहेज मैंने भी किया। मेरी तबीयत ना थोड़ी सी ढीली हो गई है। निमृत को तो मैं कुछ कुछ खिला पिला रही थी पर मैंने नहीं कुछ भी खाया, तो ना आज मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आपसे जल्द। तो गाइस, बेशक से बारिशें हो रही हैं पर फिर भी ना चिप 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 हो ना ख़त्म नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा चिप चिप हो जाती है। एसी की वजह से ना थोड़ा सा घर में सूखा सूखा सा हो जाता है, नहीं तो ना चिप 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 बहुत गंदी लगती है इन दिनों। तो गाइस, अभी भी सो के उठे हैं और रुद्राक्ष तो देखिए अभी भी सो ही रहा है, ये देखिए। और यहाँ निमृत खाना खा रही है क्योंकि ना निमृत को जाना है ट्यूशन और रुद्राक्ष भी जाएगा ट्यूशन, अभी उठाऊंगी इसको। तो गाइस, बस आपसे यही कहना था कि ना आप लोगों के घर में भगवान ना करे किसी को प्रॉब्लम हो, अगर हो तो प्लीज़ देर ना कीजिए और दवाई लेने ज़रूर आइएगा, क्योंकि ना यहाँ से जल्दी आराम आ जाता है। 3-4 दिन का ही परहेज, 3-4 दिन की ही दवाई ही देते हैं। निमृत को 2 दिन की दी थी तो कल मैं लेके जाऊंगी। तो गाइस, फिर कल लेके जाना है निमृत को। और आज की दवाई थी जो मैंने वीडियो डाल दी है, जैसे जैसे दी थी इसको वैसे वैसे खिला दी हमने। और गाइस, इसकी दूसरी खुराक में ही ना इसको बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा सा रिजल्ट आ गया। 3 बजे की दवाई दी थी इसको और ना अभी ये बाथरूम गई थी तो इसका यूरिन एकदम साफ आया, बिल्कुल साफ। और आंखों में भी थोड़ा पीलापन कम लग रहा है, इसको चेक करा था हमने और बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। और कल लेके जाना है मुझे, देखो क्या बताते हैं क्या नहीं, कल फिर कोई परहेज ना बता दे। कल निमृत को परहेज बताया था, सारा दिन मीठा मीठा खाने के लिए और रोटी नहीं खानी थी और सादा पानी नहीं पीना था, नारियल पानी, ग्लूकोज कुछ नहीं पीना था, एप्पल और बनाना भी नहीं खाना था। तो ठीक है गाइस, कल लेके जाऊंगी इसको, देखते हैं कल क्या परहेज बताते हैं, क्या खाने के लिए बताते हैं। जैसा भी होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और दिखाऊँगी भी। तो गाइस, मैंने शाम का खाना बना लिया है। मैंने बनाया है चौलाई और दाल, चावल। चावल निमृत को बना है, निमृत को चावल नहीं खिला सकते हम। और निमृत ने खाई है दाल रोटी और हमने भी दाल चावल रोटी और चौलाई की सब्ज़ी। तो यही खाना बनाया था मैंने, अभी बस ऐसे ही चल रहा है। आज आज तो खाना बोल ही दिया निमृत को खाने के लिए, बाकी देखो कल क्या बताते हैं। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो मेरी इतनी है। मेरी वीडियो जैसे भी आपको लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग आप कमेंट और शेयर करेंगे तो औरों को भी लाभ हो सकता है। और ये मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। तो कल तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, नमस्ते। और आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज है 3रा दिन और निमृत को लेके जाना है सिंधी पान वाले के यहाँ पर, और निमृत को दवाई दिला के लानी है। ये देखिए निमृत, अब कैसा लग रहा है? जी बोलता हाय हेलो नहीं बोल रहा हूँ। तो गाइस, अब पहले से आँखें इसकी ठीक है, दिखा ऊपर को देख, ऊपर को देख, ऊपर को, ऊपर को देख। तो गाइस, पहले से इसकी आंखें भी साफ लग रही हैं और यूरिन एकदम साफ हो गया इसका, बिल्कुल साफ। तो और ना कहते हैं कि ना 2-3 सिम्टम्स होते हैं वो इसके सारे ठीक हैं। अब देखते हैं आज दवाई में क्या मिलता है इसको और क्या नहीं। तो चलते हैं, आज रुद्राक्ष पापा की छुट्टी है तो हमें वही ले जा रहे हैं, बाकी नहीं तो हमारा किराया 100 रुपये लग गया था उस दिन। चलिए गाइस, चलते हैं। पानी मत पीना ठीक है? आप साथ में उनके नशा करते हो? आखिरी बार कब पी थी? सेवा चल रही है, खोल के कर, खोल के हवा भर दे। देखिए गाइस, कितनी ज़्यादा भीड़ हो रही है। अभी इतने छोटे दूध पीते बच्चों को मिल रही है दवाई,
और फिर यहाँ जो ये छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए हैं, ये देखिए देखिए कितनी भीड़ है। सबसे लास्ट में निमृत का नंबर है, बहुत सारे बच्चे हैं, कम से कम 20 बच्चों के बाद निमृत का नंबर है। ये देखिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे हो रही थी दवाई पैकिंग और हमने थोड़ी सी सेवा करी है यहाँ पर, और भैया ने कम से कम 10 पैक करी है यहाँ पर और हमने पैक करवाई थी। वही हम लोगों को मिलती है वो जो पैकिंग होती है, बिना दूध पीते हुए बच्चों को मिल रही है, फिर छोटे छोटे बच्चों को मिलेगी, फिर और उनसे बड़ों को मिलेगी, फिर 10 साल के बच्चों को मिले तो सबसे लास्ट मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बड़ी है। गाइस यहाँ 8:30 बजे मिलता है नंबर बच्चों का, 20 तक बढ़ते हैं यहाँ नंबर और बड़ों के 60 तक नंबर। सुबह अगर आप ना भी यहाँ सुबह अगर आएंगे तो बड़े लोग आएंगे सुबह सुबह यहाँ इंतजार करा के जाएंगे, 4 बजे 5 बजे 3 बजे जिस हिसाब से आएगा उसे जल्दी नंबर मिल जाएगा, और फिर यहाँ पर आके नंबर लेना पड़ेगा, लिखेंगे अलग एंट्री होगी तभी टोकन भी मिलेगा, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, मतलब ना आधा सा दिन चला जाता, 2-3 बजे पर यहाँ से कोई खाली नहीं जाता, दवाई सबको देते हैं अगर टोकन किसी पे ना भी हो तो, पर यह है कि टाइम लगता है। ठीक है गाइस मिलते हैं आपसे। गाइस मैं आपको यहाँ पर बता दिखाती हूँ कि यहाँ पर बच्चे को ना डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, फिर यहाँ पे ये लेडीज़ लेके आई हैं, कहाँ से लेके आई हैं ये अभी आपको खुद ही बताएंगी, तो दिखाती हूँ आपको। बोलो बोलो बच्चे 5 महीना कितने महीने कितने साल का है बच्चा? 5 महीने का बच्चा है। कहाँ है बच्चा? अच्छा फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या बोला? लीवर चेंज। अच्छा फिर आप कितनी बार आए हो यहाँ पर? अभी तो हम कल आए। अच्छा फिर थोड़ा फर्क है? हाँ हाँ लग रहा है थोड़ा। अच्छा रोना बंद कर दिया। अच्छा और फिर बच्चे को परेशानी और कुछ परेशानी हो रही थी? रो रहा था बस। तो अंदर पेट में ना परेशानी होती है ना, इस वजह से बच्चा परेशान होता है और फिर रोता है बच्चा, तो बस यही था ना। अब बच्चे को यही है, वो बच्चा देखे छोटा सा, इसको 5 महीने से परेशानी थी, रोए रोए जा रहा था ये बच्चा, और ना डॉक्टर ने कहा था 12 लाख रुपए लगेंगे। ये है इसकी मम्मी, अभी ये दवाई दिला के लाई है। बच्चे के लिए क्या बोला? अभी नहीं पूछा। अच्छा तो ये देखिए ये कह रहे हैं 5 महीने से इसकी नाक से पानी भी नहीं निकल रहा था, कल दवाई खा के आज पानी नाक से गिरा इसके। बच्चे को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और कहा था 12 लाख रुपए लगेंगे। अभी एक भैया और भी बता रहे थे यहाँ पर कि 8 लाख रुपए के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था, बच्चे को आराम ही नहीं आ रहा था, और पर इनका एक परहेज है कि यहाँ पर मैदा नहीं खाना चाहिए, ये दवाई खाएं तो मैदा ना खाएं, मैदा खाने के बाद बच्चा फिर दोबारा से बीमार हो जाएगा, तो इसलिए ना आप लोग मैदे का और बच्चे का मतलब परहेज का बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। आगे के लिए बोल रही हूँ मैं आपसे, यहाँ पर लास्ट स्टेज पे भी ना ये दवाई देते हैं, अच्छे से कंट्रोल कर लेते हैं बच्चे को। तो ठीक है गाइस परहेज कीजिएगा, दवाई दिलाइए और स्वस्थ रहिए। हाँ जी सुबह शाम 4 दिन 1 चम्मच। अच्छा 4 दिन तक। अच्छा 2 बजे 2 बजे 2 बजे 4 दिन आधा चम्मच दही। ठीक है 4 दिन 1 नींबू काटना जी, दोपहर को आधा नींबू पानी चीनी, शाम को आधा नींबू पानी चीनी। आधा नींबू, आधा नींबू दोपहर आधा शाम जी जी। नहाएगी तो बॉडी पे प्लेन सरसों का तेल लगाएगी, खुजली से बचेगी जी जी। रोटी सब्जी चावल तला जो घर मांगे सब खिलाना, बाहर का मांगे 4 दिन के बाद। ठीक है 4 दिन के बाद नहीं आना। खुश होगी घर के घर। ठीक है जी इसके बाद नहीं आना जी। ठीक है खुश हो गई निमृत। खुश हो गई भैया जी बाहर का खाना। शुक्रिया। थैंक यू भैया।
गाइस ये चल रही है निमृत की दवाई का प्रोसेस, आधे चम्मच दही में, आधा चम्मच बेटा कम कर रहा। और ये मम्मा बहुत ज्यादा आई है, बहुत ज्यादा आई है दही। नहीं नहीं अरे पानी वो कितने को गिना रहे हैं, हिलाओ मत, थोड़ा सा और डाल दो ना भैया दही, इसमें ज्यादा डाल दो। नहीं आधा चम्मच दही और के थोड़ी ज्यादा ही डाल दो गाइस, बहुत ज्यादा। देखने जरा एक बार ध्यान से देखो, आपको दिख नहीं रहा है, आज तो नहीं खिलाया तुझे कुछ भी है ना। मैंने चार रोटी खा ली गाइस, दो खा के गई थी और दो आके खाई है, पराठे खाए तो टेस्ट कैसा है इसका मुझे खा के बता। आधी चम्मच दही में ना, आधी चम्मच दही में देने थे, वो जो कल दो डोज दिए थे ना उसी में से चार डोज कर दिए, डोज दो बजे देनी है। ये खाओगे ना, मैं बोल रही हूँ कि ना इसका स्वाद मत लेना, सीधा हलक में डालवा लेना, बहुत गंदा लगता है। गाइस निमृत की दी है अभी दवाई, और ये देखो ये रुद्राक्ष भैया अभी उठे होंगे, और ये देखो सारा गंदा हो रहा है। अबे निमृत ऐसे नहीं करते, थोड़ा एक घूंट पानी पी ले खड़ी होके, अब तो तू पानी पी सकती है। और क्या क्या बोल दिया बता दे खाने के लिए, तो तू थोड़ा अभी क्या खाया तूने, वो खाए पराठे और आलू मेथी पराठा, मम्मी गोलगप्पे वाला आता बाहर, ये देखा है एक इतनी जोर, ये है ना निमृत ये जब उठता है ना तो बहुत जोर से लगता है, ठीक है तमीज में रह ले अब थोड़ी सी। तो गाइस इससे भूख लगती है, बताया मम्मी मैंने सच में चार पराठे खाए ना, चार पराठे नहीं दो रोटी, हाँ दो रोटी और दो पराठे खाए, वो तो सुबह सुबह खाए थे तुमने। हमारे को रुद्राक्ष ये बताने वाला के निमृत की मम्मी आके पी ली हो रही है, और अभी भी रुद्राक्ष बताएगा निमृत को कितना अच्छा रिजल्ट आया है। देख वहाँ जाके देखना थोड़े लाइट में ऊपर को देख, निमृत ऊपर लाइट की तरफ देख, फिर दिखे देख रुद्राक्ष सारा तो खत्म हो गया देख, लेकिन है ना साइड हल्का सा इधर इधर साइड में ना, ये डोज लेगी ना इससे हो जाएगा, ये जो देगा ये ना उससे हो रहा था। रुद्राक्ष पापा चले गए हैं फाजलपुर गुड़गांव, और रुद्राक्ष पापा नहीं आएंगे बोल के गए हैं, अब उनके मूड का कुछ पता नहीं है क्योंकि गर्मी पड़ रही है, क्योंकि भाग भी आए हैं वो वापस। तो गाइज ठीक है अब मैं नहाऊंगी, मैं नहा के नहीं गई थी क्योंकि चिप चिप हो रही थी ना, तो मैंने सोचा था आके ही नहाऊंगी, नहा धो के अब थोड़ा करेंगे हम आराम। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिए इन वीडियोज़ों को, क्योंकि ना किसी का फ़ायदा भी हो सकता है, भला होना चाहिए। आपने इस वीडियो में देखा होगा कि कितनी कितनी दूर से आए हुए थे लोग, और क्या क्या दिक्कत बता दी थी डॉक्टर ने, डॉक्टरों ने बिल्कुल जवाब दे दिया था लोगों को, और यहाँ इन वैद्य जी ने उनको ठीक कर दिया। तो गाइज आज हम करके आए हैं थोड़ी सी सेवा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो अगर रात को कह देना कि ये आपको थालियाँ पूरी करके देनी है, मैं तो रात को रोज़ बना के दे दूँ, सच मन से कह रही हूँ मैं, पर हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर है इसलिए सेवा हम वहीं जाके कर सकते हैं। और गाइस एक खुशी की बात है कि निमृत को आज बोल दिया है कि अब नहीं आना है दवाई लेने, तो निमृत का कोर्स पूरा हो गया है, जब बड़ी से बड़ी परेशानी भी ना तीन चार दिन में ठीक हो जाती है, तो बहुत अच्छी दवाई देते हैं आप यहाँ पे। 20-25 साल हो गए मुझे भी सुनते, 22 साल हो गए मुझे भी सुनते हुए, और 22 साल से तो मैं भी सुनती आ रही हूँ सिंधी पान वाला। तो आज हमको भी ज़रूरत पड़ी गई, तो मैं तो कहती हूँ किसी को ना पड़े ज़रूरत तो अच्छी बात है। तो ठीक है गाइज मिलती हूँ आपसे कल न्यू ब्लॉग में, तो कल तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, तो मिलते हैं कल न्यू ब्लॉग के साथ। मेरी वीडियोस लाइक कमेंट शेयर प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो बाय बाय। Another star, you fade away, afraid our aim is out.